भाई ये समझ गए भाई ये मेरे साथ इसने अवैध संबंध नहीं बनाए, इस खुंद को रखते हुए मेरे पोते को उसने मारा गया। वो जो विक्की प्रदीप विक्की है, मारी पुत्र वधु को भी अपनी पत्नी बनाना चाहता था। मारी पुत्र वधु की माँ है, उस माँ के प्रदीप उर्फ विक्की साथ अवैध संबंध थे। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा हाथ जोड़कर राम राम। जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी है कि यहाँ एक शादी के मात्र दो ढाई साल बाद में ही सजा मिली, सजाए मौत, वो भी लड़की पक्ष के द्वारा ऐसा आरोप लगाया है। क्योंकि जैसे पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी है कि उसमें एक आरोप लग गया है कि लड़की पक्ष के यानी कि लड़की की माँ के अवैध संबंध बताए गए हैं, और उस जिसके साथ में अवैध संबंध थे उसका षड्यंत्र कुछ ऐसा आरोप लगाया है कि उन्होंने बुला लिया लड़के को एक पड़ोसी के हाथ, और वहाँ जाकर पहले उन्होंने ड्रिंक करी, पिया, खाया, और उसके बाद में आधे घंटे बाद में, पौने घंटे बाद में ही खुलासा हुआ गाँव में कि उस लड़के को सरेआम मार दिया गया। तो यहाँ तमाम बातों की पुष्टि पीड़ित परिवार का कहना है, ये मीडिया का इसमें कोई भी आरोप नहीं है। तो हमारे पास में फिलहाल जो है मृतक लड़का था ये सुखबीर ना जी, सुखबीर के जो दादाजी हैं और कई गांव के मौजूद लोग और भी हैं, पूरा समाज यहाँ बैठा है, तो कुछ बातों की जानकारी इनके दादाजी हैं ये भी देना चाहेंगे, इनसे भी सुनेंगे। तो सबसे पहले राम राम जी। राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? राम भज जी। ये जो आपके जो सुखबीर क्या लगता था बेटा, ये मेरा सुखबीर मृतक पोता लगता था। आज आपका पोता इस दुनिया में नहीं है, चार पांच दिन हो गए, बेहद अफसोस है हमें भी, ये दुख की बात है। ये जो मारने की षड्यंत्र जो है, मारने का षड्यंत्र, शादी कर ली, दो ढाई साल हो गए, एक बच्ची का पिता था, ये बातें ओपन हो चुकी, लेकिन आज जिस रात जिस शाम वो बुलाया गया उस शाम से एक घंटे पहले की और मारा और यहाँ तक पहुँचे, आपको कितनी जानकारी है इसमें? ऐसे है जी, जो हमारा मेरा पोता था सुखबीर, उसने दो साल पहले लव मैरिज की थी जी, और हम अपने चमार बरादरी से संबंध रखते हैं जी। लड़की मेरी पुत्र वधु बाल्मीकि समाज से संबंध रखती है जी। जो हमारी पुत्र वधु की बहू की माँ है, उस माँ के प्रदीप उर्फ विक्की साथ अवैध संबंध थे, उसी गांव के वासी के साथ। हाँ जी जी। और उस वो जो विक्की प्रदीप विक्की है, हमारी पुत्र वधु को भी अपनी पत्नी बनाना चाहता था, उससे तंग आकर इसने ये लव मैरिज की थी, लेकिन उसने उसी दिन उसको कह दिया था भी दोनों को जान से मारेंगे। और उसी बात को लेकर दिनांक 5/5/23 को हमारे पड़ोसी के हाथ फोन करके मेरे पोते को बुलाया गया, सुखबीर को। वहाँ पर उन्होंने बियर वगैरह पी और उसका जो खर्चा था होटल वाले का वो भी उसने जो बुलाया फ़ोन पे पड़ोसी ने ही दिया। और उसके आधा घंटे के बाद तो हमने सूचना मिली भी सुखबीर को मार गए, वहाँ सड़क पे फेंक रखे। मतलब आधे घंटे के अंदर सर जी बुला भी लिया, पी खा भी ली, मतलब वो तो एक प्री प्लान काम हो गया सारा। प्री प्लान काम होया जी, जी, जी। सर जिनने भी ये किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये जो पड़ोसी आपका अरेस्ट कर लिया वो तो? हाँ पड़ोसी। और वो बाकी दोनों? बाकी दोनों फरार हैं। ये जो समधन थी, ये लड़की माँ और उसका प्रदीप और विक्की, हाँ जी दोनों फरार हैं जी जी। आज अवैध रिश्ते में कितनी ताकत होती है, मानते होंगे आप लोग? हाँ जी हाँ जी, जो है ये हमारे साथ गलत हुआ जी। और आज एक अच्छे खासे बच्चे खुशहाल जीवन घर बसा रहे अपना, जबकि यहाँ घर पे पेरेंट्स को माँ बाप को एतराज़ नहीं बाद में, और पहले नाराज़ थे उन्होंने दर्शाया है, लेकिन अपने अकेला बच्चा है, कई बार माँ बाप भी उलझ जाता है भाई करे तो क्या करें, उनके बस में मतलब हो जाता है या माननी पड़ती है, हालात कई बार ऐसे हो जाते हैं, और ऐसा ही इनके साथ में हुआ है, अकेला बच्चा कहाँ जाए। और दूसरी बात, अगर 36 बरादरी समाज ये उसको अनुमति नहीं देता शादी की, कई बार एक गोत्र में उड़ जाते हैं बच्चे प्रेम चक्कर में, कई बार ऐसे दायरे में रहते हैं जहाँ गांव गवांड एक भाईचारे नाता रखता है उसमें हो जाता है, लेकिन क्या ये सीमा सब पार दूर थी, या उससे जो गांव गवांड का दायरा होता शादी नहीं करते उसके अंदर दीजिए?
नहीं जी, नहीं जी, हमारे हमारी रिश्तेदारी भी हैं, शादी होती हैं हमारे आसपास से, दूर थी। कितने किलोमीटर अंदर? 15-16 किलोमीटर। इतनी दूर हो जाता है जी? हो जाता है हमारे, हो जाता है जी। पहले भी रिश्ते रखे हैं उस एरिया में? हाँ, हमारी लड़की ब्याही हुई वहाँ पर जी, जी। हमारा रिश्ता है वहाँ। तो इसमें मतलब ज़्यादा उलझन तो नहीं मानते? नहीं, कोई इसमें उलझन नहीं है जी। बस ये तो उन्होंने भाई ये समझ गए भाई, ये मेरे साथ इसने अवैध संबंध नहीं बनाए, इस खुंद को रखते हुए मेरे पोते को उसने मारा गया है। और माँ उसमें सपोर्ट कर रही है उसका? हाँ, माँ सपोर्ट करती है उसकी। कई बार ऐसी बातें सुनते हैं तो घिन आती है। बेटी तो अपना दामन बचाते हुए अपना रास्ता अलग कर लिया, लेकिन माँ नाजायज रिश्तों को कायम रखते हुए अपनी बेटी को भी उसी दलदल में धंसाना चाहती है जहाँ खुद धंसी हुई है। जबकि माँ बाप की गाइडलाइन ये होनी चाहिए, कोई बच्चा बुरा रास्ता जा रहा है, गलत रास्ते जा रहा है, तो उसको हटा कर समझाना चाहिए। लेकिन यहाँ उसका सब विपरीत मिलता है। कई बार देखने को ऐसी जो है रिश्तों से घिन आती है, जो देख के हमारा ये मतलब नहीं कि खाली वीडियो दिखाना लोगों को, बताना कि वहाँ अलेवा गांव में ऐसा लड़का मारा गया, उसकी सासों के अवैध रिश्ते थे, अदर कास्ट में शादी कर ली, ये दिखाना मतलब नहीं है। हमारी वीडियो एक शिक्षाजनक बन के जाती हैं, लोगों के अंदर संदेश जाती हैं कि ऐसा करने पर ऐसा भी हो सकता है, किसी भाई बंधु को डाउट हो तो वहाँ जा कर पूछ सकते हो। ये शिक्षाजनक कहानी है, एक ये सच्ची घटना, सच्ची कहानियाँ हैं ये, ताकि लोगों को शिक्षा मिले। और आज यही एक मैं आपको वाकई यहाँ कर सुनाता हूँ, ये जो एक साफ साफ आईना है, पीड़ित परिवार का आरोप नहीं, ये बताना है बेटा खोया इन्होंने, पोता खोया है, जिसकी भरपाई ताबी जिंदगी नहीं हो सकती। क्यों, गलत तो नहीं है जी? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। और आप लोग क्या लगते हैं सर? चाचा लगता है। चाचा लगते हैं जो ये दादाजी कह रहे हैं, आपके चाचा जी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सारी बातें जी? हाँ, सही बात कर रहे हैं सारे। तो जो अब माँ से मिलने कोई वहाँ तक गया, कोई संपर्क सूत्र कहाँ रह रही, कहाँ नहीं, कोई अता पता है उनका? नहीं, कोई अता पता नहीं। हाँ जी, वो जो प्रदीप और विक्की उसी के साथ रह रही है या दोनों अलग अलग कहीं, क्या कहना चाहें? अब तो कह नहीं सकते जी, अलग अलग हैं, इकट्ठे हैं, पहले इकट्ठे थे। क्या जो पुत्र वधु है आपकी, इसको पिताजी नहीं है? नहीं, पिताजी नहीं है। पिताजी एक्सपायर हो गए। हाँ, कितने साल हो गए? 12 साल हो गए जी। 12 साल हो गए। हाँ जी। और आज जो है जनता देख रही है, आपके बेटा इस दुनिया में नहीं है, बेहद दुख है। लेकिन आज वजह निकल कर आती है, कई बार तो लव मैरिज को लेकर विवाद होता है, हत्या होती है, कई बार दूसरे बच्चे को अपना बनाने के मारे हत्या होती है। यहाँ आप लोग क्या करना चाहोगे? बच्चे की गलती मानोगे या उनके, आपकी जो समधन है उसकी और प्रदीप जो विक्की उसकी गलती मानोगे? विक्की की और उसकी गलती थी जो उन्हें कर लिया था। 2 साल हो गए थे जी, बच्चा भी हो गया था, ऐसी नौबत तो करनी नहीं चाहिए थी उसको। जब उनका दिल मिल रहा था, कभी कोई बीच में दरार नहीं आया, 2 साल के बीच में कोई उनका मिस्टेक नहीं हुई, तो उसने ये गलत काम किया जी। जी। तो इसमें मतलब साफ साफ है, सीधा सीधा सवाल करवाई यही है कि जो प्रदीप और विक्की है, जो माँ वाले रिश्ते में बेटे को भी लाना चाहता था और वो बेटे मना करने पर अपना शादी कर ली, उस खुंद में इन्होंने जान लिया इसके। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, यही मानना होगा। हाँ, ये मानना है जी। क्यों दरबार साहब, यही ना जी? हाँ जी, ये जी। और आज आप लोग, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये अगर ये वीडियो पुलिस प्रशासन हमारे उच्च अधिकारी देख रहे हैं तो क्या करना चाहेंगे आप लोग? उसी ने कह रहे सख्त कार्रवाई होगी, इंसाफ चाहिए, आरोपी चाहे कोई भी हो, कोई भी हो जी, कोई भी निर्दोष, कोई नहीं फंसना, निर्दोष निर्दोष को कोई नहीं फंसना चाहिए जी, दोषी बख्शना चाहिए जी। जी हाँ, ठीक है जी। आज जो मृतक के चाचा भी दादाजी भी, उन्होंने अपने विचार रखे हैं, और जैसा कि पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी है, एक लड़की ने भी कुछ बताया था और बाकी और भी महिला बैठी हैं, उनके विचार आप लोगों ने लिए। यहाँ बारी बारी से अपडेट अपडेट मिलने लग रही है आपको, इस चैनल के माध्यम से भी और भी कई चैनलों पर यह मुद्दा वायरल हो रहा है। लेकिन आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, क्या बच्चों का स्टेप सही था, उस दरिंदगी से बच के यहाँ आना, अपना नेक रास्ता संभालना, या माँ का रास्ता सही है, अपने ही लालच में कि दलदल में धंसी हुई बच्ची का भी घर उजाड़ दिया अपना, वो सही है या ये लड़की सही है? कई बार तो स्वार्थ में नादान बच्चे कसूरदार होते हैं, लेकिन यहाँ
कुछ उसका उल्टा मिला है। माँ कसूरदार होती है, वो भी अपनी अवैध रिश्ते उसके साथ मिलकर ऐसा आरोप लगाया पीड़ित परिवार ने। तो आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ताकि हमने आपकी राय का बेइंतहा इंतज़ार रहता है, और इसको आप लोग शेयर करते रहना, अगली कड़ी का इंतज़ार करना। और बने लोक शक्ति मीडिया से, धन्यवाद। सत्यमेव जयते।